सबसे बड़ा ये सीक्रेट है कि मुझे लगा मम्मी ने बनाया, अच्छा इसने बनाया था, सॉरी। मुझे लगा इसमें था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, मीन्स सनी बॉबी देओल की, हाँ। बॉबी देओल की गर्लफ्रेंड अक्षय कुमार की बीवी बन जाती है बाद में जब कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, कोविड चल रहा है। हम दोबारा आ चुके हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। देन आपको आज फिर दिखाएंगे कि हम पूरे दिन क्या करते हैं। अभी कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा है बिकॉज अभी हमारा वर्किंग चल रहा है, तो अभी हम घर के काम में ही इतना बिजी है और ऑफिस का वर्क इतना होता है किन को। और आपके यहाँ क्या ठंड हो रखी है? दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और यहाँ पर बहुत ही टेम्परेचर कम है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके यहाँ पर ठंड है या नहीं है। तो किरण अभी जा रखी है, जैसे ही किरण आएगी मैं किरण के साथ ब्लॉग बनाऊंगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने आपको नहीं बताई है। अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे होंगे देन आपने पिछले ब्लॉग भी देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा सेम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम दोनों जो हैं ट्विंस हैं। आपने हमारे चैनल का नाम देखा होगा स्पेशल ट्विंस के नाम से, तो हम दोनों बहनें ट्विंस हैं। उसका नाम किरण है, मेरा नाम ज्योति है और हम दोनों की लाइफ में सबसे बड़ा ये सीक्रेट है कि हम दोनों का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहाँ भी देख सकते हैं कि सिर्फ हम दोनों अपनी ही पिक लगाते हैं, या तो फैमिली की लगाते हैं या अपनी लगाते हैं। बिकॉज हमारी लाइफ में हम दोनों सिस्टर सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मतलब ये मान लीजिए कि मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ जैसे कि वो मुझसे करती है, तो हम दोनों एक दूसरे से ही बातें शेयर करते हैं। लेकिन बड़ी मैं हूँ। अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम दोनों में डिफरेंट क्या है, बड़ा कौन है हम दोनों में, तो हम दोनों में बड़ा मैं हूँ। सिर्फ 3 मिनट का फ़र्क है, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा समझाती है हर चीज़ के लिए। मतलब उसका माइंडसेट मुझसे बड़ा है। मैं कहीं पे गलती कर देती हूँ तो वो मुझे समझाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो इसीलिए मेरी लाइफ में तो कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरा फ्रेंड है, बहुत फ्रेंड है मेरी लाइफ में, लेकिन बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरी बहन है। तो उसकी लाइफ में भी ऐसा ही है, उसकी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड वो है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लक्की समझती हूँ कि मैं ट्विंस हैं हम दोनों। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं। लड़ाई तो सब में ही होती है, हमारे में लड़ाई भी होती है, लेकिन हम दोनों इतनी अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं और इसी वजह से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बस मैं आपको यही डाउट क्लियर करना चाहती थी कि आप रोज़ ब्लॉग देख रहे होंगे, आप ही देख रहे होंगे, दोनों में तो डिफरेंट ही नहीं है। तो हम दोनों जो हैं ट्विंस हैं, सिर्फ हमारे में 3 मिनट का फ़र्क है और इसलिए हमने अपने चैनल का नाम स्पेशल ट्विंस रखा है। इसलिए हम रोज़ ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या होता है, हम दोनों ट्विंस कैसे अपनी लाइफ रूटीन कैसे बिताते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। आपने देखा होगा जो ट्विंस होती हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर होता है, तो हमारे में सिमिलर यही है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। मुझे लगा कि आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए बिकॉज आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं अपने बारे में और उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहती थी। तो बस यही है। आपको अगर डिफरेंट पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा सेम हैं, इसलिए किसी को डिफरेंट पता नहीं चलता। सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर के अलावा मम्मा पापा सब समझ जाते हैं कि कौन ज्योति है, कौन किरण है। जैसे जैसे आप ब्लॉग देखेंगे, हमारे बहुत सारे ब्लॉग बना रखे हैं, बहुत सारी कॉमेडी भी आपके लिए बना रखे हैं। तो प्लीज़ जैसे आप प्यार दे रहे हैं अभी, वैसे हमारी सारी वीडियो को प्यार दे, आगे तक भी आपके लिए और बहुत 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 सारी हम वीडियो लेकर आएंगे। मैंने बनाया है मेथी के परांठे। मैं अपने हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा दूध जरूर पीती हूँ मॉर्निंग में, और दूध सबसे अच्छा होता है। आपको भी मैं सलाह दूँगी कि दूध ज़रूर पिए। और देन आज मम्मी ने मेथी के परांठे बनाए हैं जो कि सर्दियों में बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो आप प्लीज़ अगर आप सर्दी से थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो प्लीज़ मेथी के परांठे ज़रूर खाएँ, मेथी की सब्ज़ियाँ खाएँ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। और दूध ज़रूर पिए। जो लोग दूध नहीं पीते हैं प्लीज़ बॉर्नविटा डाल के दूध पिए, या कुछ भी जो भी आपको पसंद है, कॉम्पैन, हॉर्लिक्स, जो भी पसंद है, वो प्लीज आके दूध जरूर पिए, क्योंकि दूध। तो यस, किरण अब आ चुकी है। मैंने आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया था, वो आपने देखा होगा। तो किरण आ चुकी है अब, ये जस्ट अभी भी आई है अपने वर्क से।
इसके बिना ब्लॉग कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने स्पेशल ट्विंस नेम रखा है इस ब्लॉग का। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज आपने इतने दिनों से, ना आप ओपनिंग कर रहे हैं ना एंडिंग कर रहे हैं। एंडिंग में तो ये होती है साथ में, आई एम सो बिजी नाउ, कभी भी नहीं होती है। आई एम सो बिजी नाउ, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल। प्लीज इंग्लिश ना बोले क्योंकि हमें हिंदी समझ आती है। मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, मैं बाद में बताऊंगी क्या काम है। यस, तो अभी हमारा प्लान कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस का वर्क ही कर रही थी तब तक ये आ गई। उसके बाद अभी ये खाना खाएगी। तेरा और मेरा सर से जुड़ा होता था बहन, हम इतने लंबे होते थे, हमारी हाइट ऐसे होती, हम दोनों से चलते थे। और जब लड़ाई होती थी तो इसीलिए हम अलग अलग हैं। भगवान ने हमको इसलिए अलग अलग करा, ट्विंस हैं लेकिन हम अलग अलग हैं। मैं दो तीन कपड़े पहने, इतनी मोटी लग रही हूँ मैं, इतनी मोटी नहीं हूँ मैं गाइस। ये मोटी है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, ये मुझे देख देख कर मोटी हो चुकी है। पहले ये बहुत पतली हुआ करती थी, उसकी फोटो भी आपसे मैं जल्दी शेयर करूंगी कोई ना कोई व्लॉग में कि ये पहले कैसे पतली थी और फिर ये मुझे देख कर कैसे मोटी हो गई है। तो अभी ये जा रही है खाना खाने। खाना खा रही है तू? आप देख सकती हो किरण अभी आई पीछे आ रही, मैं अपने ऑफिस को वॉक कर रही हूँ ना, और फिर ये अपने लिए क्या बना रही है आई डोंट नो, अपने लिए मम्मी के लिए खा लिया शायद, मम्मी मेथी की रोटी सब्जी आ रही है। मैंने आपको सुबह दिखाया था, मैंने मेथी के परांठे खाए थे क्योंकि मम्मी ने माले मेथी के परांठे बनाए थे। बहू मैंने बनाए थे मेथी के परांठे। अच्छा, मुझे लगा मम्मी ने बनाए, अच्छा इसने बनाए थे, सॉरी मुझे लगा मम्मी ने बनाए, पर बनाए इसने थे। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है केटल में और अभी ये बना रही है, मम्मी खाएंगी फिर उसके बाद मम्मी सो जाएंगी। मैं और ट्यूशन पढ़ने गई थी, क्या कर रही थी तू? और मेरे बाल बड़े खराब आ रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी ऐसी दिखेगी, प्रॉपर नहीं दिखेगी, हम घर पे, लेकिन हमारा अब जो दो तीन दिन बाद जो ब्लॉग आएगा वो काफी अच्छा आएगा क्योंकि हम थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे। yes. तो और अच्छा आएगा। हम आपको अभी नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम बाद में आपको बताएंगे हम उस दिन कहाँ जाएंगे, और वो ब्लॉग आई होप कि आप सबको बहुत आप पसंद आएगा। कि हमने टोपी वोपी सब इतने की पहन लेते हैं शाम को, लेकिन क्योंकि दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड है कि आप यहाँ बिना टोपी के रह नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो रखा है। आप जिस सिटी से देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि आप किस सिटी से देख रहे हैं और आपके यहाँ कितनी ठंड हो रही है। तो आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट भी करें हमारे ब्लॉग पे, आपके लिए हम ब्लॉग बता रहे हैं। वैसे हमारी डेली रूटीन में यही होता है जो आप हमारे ब्लॉग में देख रहे होंगे, और ये ऐसी दिखती रहती है, इसका कोई काम वाम है नहीं। यस, तो फिर मिलते हैं, चाय पियेंगे देन उसके बाद हम मिलते हैं। ओके, और प्लीज आप इसके कभी भी चाय ना पिए हाथ की, अगर आपको ये बुलाए भी चाय पीने के लिए तो चाय मत पिए, क्योंकि ये इतनी घटिया चाय बना दी है, चाय बहुत गंदी होती। चलो फिर मिलते हैं, बाय। अब इसके बाद मैं आटा गूंदने जाऊंगी क्योंकि आज जो है रोटी किन्नू को बनानी है। आपको पता ही होगा हमारे और भी ब्लॉग देखे होंगे आपने, जिसमें हमारी बारी होती है, कभी किन्नू, कभी मैं, कभी वो, कभी मैं। और अभी वो मुझे देख रही है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और वो ये देख रही है कि मैं उसको क्यों नहीं ले रही, बिकॉज वो अभी कपड़े प्रेस कर रही थी पापा के और वो आना नहीं चाहती इधर। वो मुझे देख रही है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, आ जा। वो आ नहीं रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही है, पता नहीं क्यों आज। अच्छा, ये बहुत। अब जाके हम फ्री हुए हैं, वैसे फ्री भी हैं हम जो है आज मूवी देख रहे थे। कौन सी मूवी देख रहे थे? वतन कुछ समथिंग ऐसी कुछ, उसमें हाँ, गाना आ रहा था। तो उसमें था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, मीन्स सनी बॉबी देओल की, हाँ, बॉबी देओल की गर्लफ्रेंड अक्षय कुमार की बीवी बन जाती है। बाद में जब अक्षय कुमार को पता चलता है कि अरे तेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी है, वाह बहुत बड़ी बात होती है दूसरों की गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बनाना। अपनी गर्लफ्रेंड तो हर किसी की बीवी बनती है, लेकिन दूसरों की गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बनाना, वाह 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 वाह, क्या मूवी है। और मूवी का नाम क्या है? ए वतन, क्या है? मैंने भी ध्यान से नहीं देखा, कुछ ऐसे ही समथिंग। अच्छी मूवी है लेकिन, यस, आप सब पक्का देखना, अच्छी मूवी है काफी। बस इतना ही था हमारी वीडियो में, और आज ये भी थोड़ा बिजी थी अपने स्टडी में। तो बस आपके लिए हम ऐसे ब्लॉग लाते रहेंगे, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, नींद बहुत ज्यादा आ रही है। तो हम मिलेंगे नई सुबह के साथ आप सबके साथ, तब तक के लिए बाय।